तो हाँ जी, क्या हाल चाल, स्वागत है भाई आपका अर्थ 99 के एपिसोड नंबर 2 में। जो भाई अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया का हमने नाम रखा है अर्थ 99। तो इसके अंदर भाई अब तक हमने एक घर बना लिया था, जहाँ कह लो कि घर पे कब्जा कर लिया था। नहीं, खुद का घर है ये अपना भाई, किसी के घर पे कब्जा नहीं किया हमने। और हाँ, इसके अंदर भाई हमने थोड़ी बहुत और प्रोग्रेस किया, मतलब हम एक केव में गए थे, अपने घर के नीचे ही केव है, उसके अंदर से हम थोड़ा बहुत आयरन माइन करके लाए थे, जिसकी मैं क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ओके, अभी अपने को चलना है कि अपने विलेज के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना है, कि अपने को आसपास और क्या मिलता है, क्या आप तक कोई और विलेज मिल जाए या कोई और बायोम मिल जाए। तो चलो बिना बातों में टाइम वेस्ट के भी चलते हैं सीधा वहाँ पे। लेकिन उससे पहले अपने को जो आयन मिला था, हमने उसको स्मेल्ट कर लिया था, तो भाई इससे अपने को थोड़ा बहुत अपने लिए सामान बना लेना चाहिए, जैसे कि अपने लिए एक चेस्ट ब्लेड, ऐसा कुछ चीज़ें, ताकि हम मरे ना जल्दी जल्दी। ओके, पहले एक चेस्ट ब्लेड बना लेते हैं अपने लिए। ओके, जीवन की अपनी चेस्ट ब्लेड। ओके, और एक अपने लिए बना लेते हैं पैंट, लेकिन रहने दो भाई, एक चेस्ट ब्लेड बनाते हैं, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है भाई, अभी अपने पास इतना आयरन नहीं है, तो आयरन की तो अपने को भाई एक पिकैक्स वगैरह ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता भाई कब जाके अपने को कुछ काम की चीज़ मिल जाए, जैसे कि डायमंड या गोल्ड। तो इसके लिए अपने को थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऐसे ध्यान में रखनी होगी। ओके, अभी इसी साइड चलना चाहिए आई थिंक अपने को एक्सप्लोर करने के लिए, हो सकता है आगे चल के भी अपने को कुछ मिल जाए यहाँ पे। ऐसे देख लेते हैं अभी चारों तरफ, देखते हैं कि किस साइड कुछ मिल सकता है अपने को। ओके, इस साइड भी देख लिया, इस साइड तो भाई पानी पानी है, डेजर्ट ही है पास में, और इस साइड भी भाई मेरे को नहीं लग रहा दूर दूर तक कुछ मिलेगा अपने को। तो आई थिंक अपने को इस लोकेशन में चलना चाहिए, इस साइड। चलो अभी अपने पास खाना वगैरह सब कुछ भरपूर है भाई, अपने को चलना चाहिए साइड में, चलते हैं इस साइड एक्सप्लोर करने के लिए, क्या पता भाई कुछ तगड़ी चीज़ मिल जाए अपने को यहाँ पे। अरे रे 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 भाई, अरे मैं थोड़ा अपनी भाई कलाबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा था, सीधा वहाँ से जंप करेंगे और नीचे मैं वाटर बकेट लगा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बेइज्जती वाली चीज़ें हो जाती है भाई अपने साथ यार। ओके, अभी टॉर्च की कोई ज़रूरत नहीं, तो टॉर्च को हम दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं, और इस हाथ में रखते हैं अपने लिए शील्ड, क्योंकि क्या पता भाई कहाँ पे अपने को कौन सा ज़ॉम्बी और क्या मिल जाए। ओके, अभी चलते हैं ऊपर यहाँ से। अब ऊपर जाना है तेरी ऐसी की तैसी, कब प्रो हो जाएंगे भाई हम इस गेम के अंदर, प्रो कब होंगे भाई, ये बेइज्जती हो रही है यार चार लोगों के साथ अपनी। ओके, अभी चलते हैं सीधे ऊपर। ओके, यहाँ से ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे भी पानी पानी है भाई, ये तो वो मीम वाली बात होगी, वो बोलता नहीं क्या बच्चा, अंकल जी पानी पिला दीजिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी चलते सीधा आगे साइड। यहाँ पे काफ़ी सारे हॉर्स हैं भाई, ये देखो यार कितने हॉर्स दिख रहे हैं भाई यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक रवीन दिख जाए ना अपने को तो मज़ा आ जाएगा। है गाइस सर, कुछ पानी पानी है यहाँ पे भी, अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं भाई। ये लावा लग रहा है मेरे को, आसपास साउंड आ रहा है लावा का, यहाँ कहीं पे है क्या, इस साइड कहीं पे है, ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई केव है भाई, उसके अंदर लावा है। ओके, अब यहाँ से चलते हैं अंदर, आई थिंक यही है गेट उस केव का, तो अपने को आई थिंक टॉर्च भी अपने पास में रखनी चाहिए। अरे तो यहाँ पे कोल है जब माइन कर लेते, क्योंकि आगे चल के भी अपने को टॉर्च की जरूरत पड़ सकती है भाई, और देख लेना चाहिए कि अपने पास वुड है या नहीं। वुड है क्या, नहीं भाई वुड नहीं है अपने पास, पहले अपने को वुड ले आनी चाहिए यार थोड़ी बहुत, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है भाई, अगर हम केव के अंदर ज़्यादा अंदर चले गए ना, उसके बाद अपने को मौका नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ लाने का। ओके भाई, ज़रूरत के हिसाब से हमने वुड भी तोड़ लिया है यहाँ पे भाई, हम इस गेम के अंदर पेड़ बाद में लगाएंगे यार, पेड़ तोड़ने से भाई कोई फ़ायदा नहीं है, और किसी का फायदा नहीं हुआ अभी तक पेड़ तोड़ने से। ये भी यहाँ पे भी केव है यार, तो भाई इसीलिए पेड़ तो हम बाद में लगा देंगे, जब हम अपना बढ़िया सा घर बनाएंगे यहाँ पे। यहीं पे था आई थिंक वो केव का गेट। ओके, ये रहा, तो चलते हैं यहाँ से अंदर, अभी अपने पास वुड भी है और कोल भी है टॉर्च बनाने के लिए। काफ़ी लंबी लग रही है यार, कि मेरे को गहरी भी है भाई। ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल भी है, और ये तो वापस ऊपर ही आ रही है भाई। ओके, ये तो दूसरी साइड निकल रही है यार, इस साइड आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आई थिंक अपने को उस साइड चलना चाहिए, जिस साइड अपने को दिखा था ना नीचे खड्डा सा, तो इसको छोड़ो भाई उसी साइड से चलते हैं, यहाँ पे तो भाई टाइम ही वेस्ट हो गया यार अपना, आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर और दूसरी साइड से चलते हैं भाई, जिस साइड अपने को वाटर दिखा था। ओके, भाई हम इस केव से बाहर आ चुके हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई ढंग का, इस साइड से चलते हैं, यहाँ पे एक रास्ता दिखा था मेरे को, ये रहा, यहाँ से चलते हैं सीधा, तो यहीं से चलते हैं।
रहा ये रास्ता है कहाँ पे भाई? ओके पीछे स्केलेटन है भाई अपने। भाई अब तेरा काम हो गया, अब मेरा काम करने दे मेरे को। हम मार ले एक शॉट और मार ले तू। अब मैं बजाऊंगा ना तेरे को। अबे तेरी ऐसी की तैसी मेरे को मारेगा भाई। ये तो गया कि आगे रास्ता है क्या? गेम इस साइड आई थिंक रास्ता है भाई, मेरे को लग रहा है। ये तो कुछ अलग ही। ओ आयन मिल गया भाई और भी। बस दो ब्लॉक ही थे क्या? नीचे है क्या? और नहीं ये की अभी जहाँ तक एंड हो रही है उसी साइड चलना चाहिए अपने को। फिर ज़्यादा गहर की अब मिल नहीं रही भाई यहाँ पे। ओके अभी इस साइड भी देख लेते हैं। ये तो इसका मेन डोर है, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। अभी तो अपने को केव के अंदर ही चलना है भाई। फिर से ये रास्ता जा। और ये भी ख़त्म हो गया भाई। यहाँ पे हम टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं यार। इस केव के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। भाई यहाँ पे कुछ तगड़ी केव मिल रही है यार मेरे को लग रहा है अपने को। इस साइड भी काफ़ी पंपकिन और सामने कोई केव है भाई तगड़ी सी। तो अपने को मेरे को लग रहा है इस साइड जाना चाहिए। इस साइड अपना खुद का विलेज है, अपने किस साइड चलना चाहिए भाई? ये भाई यहाँ पे कोई, और ये कोई रिवीन लग रही है भाई मेरे को। भाई भाई भाई, भाई रिवीन मिल गई भाई। मैं कब से बोल रहा था कि कोई अपने को गहरी जगह मिले ना भाई। भाई 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 किस्मत से बच गए यार, बिल्कुल साइड में चला गया था भाई मैं। ये तो हमने मौत को ही दावत दे दी थी भाई। ओके अभी उतरते हैं यहाँ से नीचे। अरे क्या एमएलजी हो जाएगा क्या? ओके कर दिया भाई। तो भाई इस केव के अंदर जाना अपने लिए खतरनाक भी हो सकता है और काम की चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे कोई। तो रिस्क तो लेना होगा भाई अपने को इसके अंदर जाने का। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अपने को इस केव के अंदर चलना चाहिए या नहीं। फिलहाल तो भाई अपने को एक तगड़ी सी लोकेशन मिल चुकी है और बहुत ही गहरी केव है भाई ये। तो इस पर यहाँ पर ना भाई बाद में आएंगे और हम इसमें मर भी सकते हैं भाई। जान का भी रिस्क है यार। अभी तक हम इस गेम के अंदर आई थिंक एक बार भी नहीं मरे। हाँ एक बार भी नहीं मरे अभी तक हम। तो अभी रात भी होने वाली यार, अभी यहाँ पर जाना अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इसीलिए हम अभी नहीं जा रहे हैं। ओके के आज की वीडियो के लिए भाई बस इतना रखते हैं। मेरे को पता है भाई आज की वीडियो हमने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ यहाँ पे हमने एक केव ढूंढी है। तो यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी भाई हम यहाँ पे बहुत कुछ ढूंढेंगे, यहाँ पे नहीं रुकने वाले भाई। हम बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है माइनक्राफ्ट की, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे भाई हम यहाँ पे। ओके के आज की वीडियो के लिए भाई बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी माइनक्राफ्ट की और कार फॉर सेल की, उन वीडियोज़ को भी जाके देख लेना। तब तक के लिए बाय।